नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है संदीप और आज के इस वीडियो में मेरे पास एक रियलमी C3 फ़ोन है और इसकी जो डिस्प्ले फ्लैक्स केबल है वो पूरी तरीके से काट चुका है और इस फ्लैक्स केबल की सप्लाई की लाइनिंग दोनों साइड में है। तो आज मैं आप लोगों को इस फ्लैक्स केबल को बहुत ही आसान तरीक़ों से रिपेयर करना सिखाऊंगा। और दोस्तों, मैं जो आप लोगों को यहाँ पे इस डिस्प्ले फ्लैक्स केबल को रिपेयर करने की तरीका दिखाऊंगा, इस मेथड की जरिए आप लोग इस तरह किसी भी कटा हुआ फ्लैक्स को बड़ी आसानी से रिपेयर कर पाएंगे। दोस्तों, वीडियो को कंप्लीट देखिए। मैं इस फ्लैक्स को रिपेयर करने के टाइम जो भी चीज़ यूज़ करूँगा वो मैं आप लोगों को यहाँ पे क्लियरली दिखा दूँगा, तो इसलिए दोस्तों प्लीज़ वीडियो को कंप्लीट देखिए। ये एक लो कॉस्ट माइक्रो सोल्डरिंग आयरन, तो मैं जंपरिंग के लिए इस आयरन को यहाँ पे यूज़ करूँगा। तो सबसे पहले मैं इसकी बीट को क्लीन कर लेता हूँ। दोस्तों, बीट जो हमारे यहाँ पे अच्छे से क्लीन हो चुका है और अभी हम काटा हुआ दोनों फ्लैक्स केबल को एक साथ मैच करके चिपका देंगे और इसके बाद हम यहाँ पे लाइनिंग को स्क्रैच करेंगे। इस साइड में हम इस एरिया के अंदर ही स्क्रैच करेंगे। और दोस्तों, मैं आप लोगों को यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट बात बताना चाहता हूँ, ये जो आप स्क्रैच करेंगे ये आपको एक लाइनिंग को आगे और दूसरी लाइन को पीछे इस तरह आपको अप डाउन करके स्क्रैच करना है, ठीक है। दोस्तों, इस तरह स्क्रैच करने का फायदा जंपरिंग के टाइम ना ही कोई शॉर्ट होने का चांस रहेगा और जंपर भी इजी तरीके से कर पाएंगे। दोस्तों, मैं इस टाइम 11 नंबर ब्लेड से स्क्रैच कर रहा हूँ, तो क्विकली सारे पॉइंट्स को स्क्रैच करके शोल्डर लगा देते हैं। यहाँ पे मैं सभी पॉइंट्स में शोल्डर लगा दिया और अभी मैं इस जगह को क्लीन कर लूँगा। दोस्तों, ये अच्छे से क्लीन हो चुका है और अभी मैं इसको जंपर करूँगा। तो जंपर के लिए मैं रिंगर कॉइल की वायर को यूज़ करूँगा। दोस्तों, इस साइड हमारा जंपर कंप्लीट हो चुका है और अभी हम इस जगह को क्लीन करके यूवी शोल्डर मास्क की मदद से कवर अप कर देंगे। दोस्तों, यहाँ पे जंपर करने के बाद शोल्डर मास्क की मदद से जंपरिंग एरिया को कवर अप भी कर लिया और अभी हम इसकी ऑपोजिट साइड में जंपर करेंगे। दोस्तों, इस साइड में आप लोग जो जंपर करेंगे इसमें भी आप लोग को ध्यान रखने की बात है, इसके नीचे जो हमने यहाँ पे जंपर किया है उस जंपरिंग एरिया को छोड़ के आपको जंपर करना है, ठीक है, इस साइड में। नहीं तो क्या होगा दोस्तों, जो हमने जंपर किया है वो हिट लगने की वजह से डिस्कनेक्ट हो जाएगा। तो मैं इसके नीचे जो जंपर किया है उस एरिया को छोड़ के स्क्रैच करके जंपर कर लेता हूँ और फिर उसमें शोल्डर मास्क की मदद से कवर अप करके डिस्प्ले को चेक करके देखेंगे।
दोस्तों ग्लू जो हमारे यहाँ पे हार्ड हो चुका है और अभी हम इसको चेक करके देखेंगे। देखिए दोस्तों फ़ोन जो हमारा ऑन हो चुका है और डिस्प्ले में भी ग्राफिक्स आ रहा है, यानी जो हमारा प्रॉब्लम था वो सॉल्व हो चुका है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही, और ये वीडियो लोग पसंद आया तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ एक कमेंट भी कर दीजिए, और आपने अगर हमारे चैनल की वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा के ऑल कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।